सर्दियों में गरीब पकोड़े वाली। शिमला में रहने वाला एक गरीब परिवार जिसमें रिया अपनी माँ सुमन और पिता हिमांशु के साथ रहती थी। रिया का परिवार बहुत गरीब था, जहाँ हमेशा ही ठंडा मौसम रहता था। सर्दियों में तो बहुत कठिन दिन होते थे, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रिया के माता पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। रिया के माता पिता सिर्फ मजदूरी करके 4 पैसे कमा पाते थे, लेकिन उसमें गुजारा होना बहुत मुश्किल होता था। जिस वजह से एक दिन रिया के माता पिता गांव के बाहर काम ढूंढने जाते हैं। रास्ते में बहुत जगह पूछने पर भी काम नहीं मिलता। उसके बाद रिया के पिता थोड़ी गहरी सोच में होते हैं, जिस वजह से उनका ध्यान रास्ते पर नहीं होता और अचानक एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने आंखों के सामने अपने पति की मृत्यु होता देखकर सुमन हक्की बक्की रह जाती है और उसके मुंह से चू तक नहीं निकलती। सुमन अपने पति का अंतिम संस्कार करके अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। सुमन अपनी बेटी को अकेले ही पालने की जिम्मेदारी उठाती है। सर्दियों के इन कठिन दिनों में सुमन अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती है। सर्दियों के दिनों में दूसरों के घरों में काम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन सुमन फिर भी अपनी बेटी के लिए रात दिन मेहनत करके 4 पैसे इकट्ठे किया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक सर्दियों में काम करते करते सुमन की तबीयत खराब हो जाती है। अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सुमन काम से छुट्टी ले लेती है और एक हफ्ते तक घरों में साफ सफाई करने नहीं जाती। माँ, आप कोई और काम ढूंढ लो, सर्दियों में पूरा पूरा दिन पानी में हाथ रखने की वजह से आपकी तबीयत कितनी खराब हो गई। आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अपना ख्याल रखो, अपने लिए नहीं पर मेरे लिए ही सही। बेटा, दूसरी जगह काम करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ठीक है माँ, लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद ही। आपको अगर ठीक लगता है तो आप कल जा सकती हो। पूरा एक हफ्ता हो गया, अभी तक आप ठीक नहीं हुई। मुझे तो चिंता है कहीं आपकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। अगले दिन सुबह होते ही सुमन अच्छा महसूस करती है और काम पर निकल जाती है, लेकिन एक हफ्ते काम पर ना जाने की वजह से लोगों ने अपने घर पर सुमन की जगह कोई और नौकरानी रख ली थी, जिस वजह से सुमन को वहाँ पर काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। सुमन थक हार कर घर वापस आ जाती है और अपनी बेटी को सब कुछ बताती है। अब हमारा क्या होगा बेटी, मुझे तो हर जगह से निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे? माँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम पकौड़ों की रेड़ी लगाया करेंगे। मेरी दोस्त की माँ भी यही करती है। सर्दियों में लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं और इससे हमें मुनाफा भी होगा। बेटा, पकौड़े बनाने में बहुत सारा सामान लगता है, वो कहाँ से आएगा बेटा? माँ, पकौड़े बनाने के लिए हम साथ वाली दुकान से उधार ले लेंगे और जब हमें पकौड़े बेचकर पैसे मिलेंगे तब हम उनकी उधार चुका देंगे। ठीक है बेटा। रिया की माँ साथ वाली दुकान में जाकर पकौड़े के लिए बेसन, नमक, मिर्च आदि सामान उधार पर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ रिया गांव के बाहर जाती है, वहाँ से टूटा हुआ बेकार रिक्शा उठा लाती है। रिया घर पहुंचकर अपनी माँ को रिक्शा दिखाती है। ये देखो माँ, मैं अपनी दुकान के लिए रिक्शा ढूंढ कर लाई हूँ। अरे वाह मेरी बेटी। अगले दिन से सारी तैयारी करके रिया और उसकी माँ अपने टूटे हुए रिक्शे पर सारा सामान लोड कर लेते हैं और मार्केट में जाकर अपने पकोड़े बेचते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से सभी लोग गर्मा गर्म पकोड़े खाना पसंद करते हैं और उनकी दुकान पर आते हैं। रिया का ठेला भले ही टूटा फूटा था, लेकिन रिया के यहाँ बिकने वाले पकोड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। साथ में रिया की माँ पकोड़े बहुत अच्छे बनाती थी, जिस वजह से ग्राहकों की लाइन लग जाती थी। शाम होते होते रिया की दुकान पर पकोड़े खत्म हो जाते थे और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होता था। धीरे धीरे राशन की दुकान से लिया हुआ सारा उधार चुका देते हैं और रिया और रिया की माँ अब सारा सामान अपने पैसों से खरीदते और पूरा दिन पकोड़े बनाकर बेचते। धीरे धीरे रिया और रिया की माँ के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं।
वो अपने लिए कुछ अच्छे और मोटे कपड़े खरीद लेते हैं। कई महीनों तक पकोड़े बेचते बेचते उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो अपने लिए एक दुकान खरीद लेते हैं। अब रिया और रिया की माँ उसी दुकान में अपना सारा काम संभालती और वहीं से पैसे कमाती। इस तरह रिया और रिया की माँ की बेकार स्थिति ठीक हो जाती है और अब वो अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। रिया का रेस्टोरेंट बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है और इस तरह वो अपने गरीब दिन बहुत पीछे छोड़ आते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी जीने लगते हैं। लेकिन पड़ोस में रहने वाले विमला उनके काम की बढ़ोतरी देखकर उनसे जलने लगती है और जलन में सोचती है, दोनों माँ बेटी कितनी तेज है, सर्दियों के दिन देखकर पकोड़े बेचने लगी और लोग भी इनके पकोड़े शौक से खाते हैं, मैं भी इन्हें मजा चखा कर रहूंगी। विमला बहुत ज्यादा बेकार औरत थी जो हमेशा ही लोगों से जलती थी। विमला रिया और रिया की माँ को देखकर उनसे मन ही मन बहुत जलने लगती है और उन्हें नुकसान पहुँचाने का सोच लेती है। ऐसी ही एक दिन की बात है जब रिया और रिया की माँ दुकान का सामान लेने जाते हैं और अपनी दुकान का शटर हल्का सा लगाकर छोड़ देते हैं, तभी विमला वहाँ पहुँच जाती है। कितने पागल लोग हैं ये, अपना शटर हल्का सा ही लगाकर छोड़ गए, अब मैं इनका तेल बुरे तेल से बदल दूंगी। अब आएगा मजा, मैं भी देखती हूँ कैसे इनकी दुकान चलती है। रिया और रिया की माँ सारा सामान लेकर दुकान पर पहुँचते हैं और रोजाना की तरह पकोड़े तलकर बेचने लगते हैं। इस बात से बेखबर रिया और रिया की माँ खुशी खुशी पकोड़े तल रही होती हैं कि तभी पास में खड़ा ग्राहक पकोड़े खाकर बोलता है, हाय हाय, छी छी, मैं ये पकोड़े कैसे खा सकता हूँ, इनका तेल कितना पुराना है और ये तेल सेहत के लिए भी खराब है। अरे अंकल क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ, तेल पुराना कैसे हो सकता है, हम नया तेल इस्तेमाल करते हैं और अच्छी क्वालिटी अपने ग्राहकों को देते हैं, तभी लोग हमारे यहाँ आना पसंद करती हैं। रुको रिया, तुम खाकर चेक करो बेटी। अपनी माँ की बात सुनकर रिया पकोड़े खाकर देखती है और सच में पकोड़े में पुराना तेल डला होता है जिस वजह से पकोड़े बहुत बुरे लगते हैं। हे भगवान, अंकल आप तो सही कह रही हो, तेल तो बहुत पुराना है, अब हम क्या करें माँ, ये बात तो सच निकली, अब लोग हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। बेटी हमें दुकान बंद करके जाना चाहिए था, ये जरूर किसी की साजिश है। रिया और सुमन दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कढ़ाई का तेल फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपने सामान में से लाया हुआ तेल इस्तेमाल करते हैं और उसके पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बनते ही रिया तुरंत ही उन्हें चेक करके देखती है, ये पकोड़े बिल्कुल ठीक है माँ। रिया और रिया की माँ हमेशा की तरह अपने पकोड़े बनाकर बेचने लगते हैं और पास में देख रही विमला गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, इस आदमी को भी इन्हें तुरंत ही बताना था, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, लोग तो फिर भी पहले की तरह ही दुकान पर खड़े हैं। रिया की दुकान पहले की ही तरह अच्छे से चलने लगती है और लोग दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाते हैं और वहीं सुमन को मन ही मन बहुत खुशी होती है कि अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इतना पैसा इकट्ठा होने के बाद रिया और रिया की माँ अपना घर बनवाती हैं। अब रिया और रिया की माँ उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी और रिया अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और हमें रिया और रिया की माँ की तरह हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। बहुत समय पहले मिर्जापुर नामक गांव में बादशाह अब्दुल रहमान का राज था। अब्दुल रहमान की 7 बेटियाँ थी मगर कोई बेटा नहीं था। अब्दुल रहमान जब भी खुश होता तो एक बैठक रखता और लोगों से सवाल करता और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मनचाहा इनाम मिलता। ऐसे ही दिन चलता रहा। फिर एक दिन अब्दुल रहमान बहुत खुश होता है और अपने 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है, आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम आज तुम लोगों से एक सवाल पूछेंगे, अगर तुम लोग मुझे अपने जवाबों से खुश कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम मिलेगा। अब तुम सब एक साथ एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ
किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। बादशाह का ये सवाल सुनकर सात में से छह बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। अपनी छह बेटियों की ये बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब सबसे छोटी बेटी कियारा की बारी आई तो उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरा नसीब है। बादशाह अपने सबसे छोटी बेटी कियारा की ये बात सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, एक कमबख्त, तूने मेरी बेइज्जती की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जो हुकुम अब्बा हुजूर। फिर बादशाह ने सिपाहियों को हुकुम दिया, जाओ इस कमबख्त को जंगल में छोड़ आओ, फिर मैं भी देखता हूँ यह मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। फिर शहजादी कियारा से उसके तमाम जेवरात और वस्त्र वापस ले लिए गए और असाधारण कपड़ों में बगैर किसी जरूरत का सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी कियारा बहुत ही नेक दिल और अल्लाह पर उसे भरोसा था। सब सिपाही उसे जंगल में अकेला छोड़कर वापस चले गए। शहजादी अकेले जंगल के चारों तरफ देखने लगी, उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। शाम होने वाली थी। फिर शहजादी ने सोचा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है, क्यों ना मैं कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ जिससे जंगली जानवर पास नहीं आएंगे और रात भी गुजर जाएगी। ये सोच कर शहजादी कियारा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और झोपड़ी के अंदर से खांसने की आवाजें आ रही थी। पहले तो शहजादी कियारा बहुत हैरान हुई, अरे भला इतने घने जंगल में ये झोपड़ी कैसी। जब शहजादी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बीमार लेटी है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रही है। शहजादी कियारा इधर उधर देखती है, फिर उसे कोने में पानी का घड़ा दिखाई देता है। वो जल्दी से एक गिलास में घड़े से पानी निकालकर बूढ़ी औरत को पिलाती है और फिर झोपड़ी की साफ सफाई करती है। फिर वो बूढ़ी औरत शहजादी से पूछती है, बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर शहजादी उसे सारी बात बताती है। फिर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी अब से तुम यही रहना, मैं यही पास के शहर में मजदूरी करके अपना गुजारा करती हूँ। मैं सुबह शहर चली जाऊंगी और सात दिन के बाद वापस आऊंगी, तुम यही रहना। मेरी ये छोटी सी झोपड़ी में खाने का सामान है और पास ही में नदी है, वहाँ से तुम पीने के लिए पानी ले आना। ठीक है अम्मा। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत शहर चली जाती है और शहजादी कियारा यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को अगर कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और वह अंदर जाकर सो जाती है। फिर सुबह सवेरे शहजादी जब उठती है तो देखती है कि दूध का कटोरा खाली है और पास ही में एक लाल रंग का रत्न पड़ा हुआ है और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होता है। तभी शहजादी को याद आता है कि मैंने बचपन में सुना था, जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो अपने मुंह से ऐसे ही लाल रंग का रत्न उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत कीमती होती है, कहीं ये वही तो नहीं। शहजादी कियारा बहुत हैरान होती है और सोचती है, लगता है सांप बहुत भूखा होगा,
इसलिए वो दूध पीकर खुशी में ये रत्न छोड़ गया। ये सोचकर शहजादी कियारा वो लाल रंग का रत्न उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात भी शहजादी बकरी का दूध निकालकर आधा अपने लिए रखती है और आधा एक कटोरी में बाहर रखती है। फिर अगले सुबह देखती है तो फिर से एक लाल रंग का रत्न पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर शहजादी बहुत खुश होती है। फिर ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाता है और शहजादी के पास 7 रत्न जमा हो जाता है और फिर उसी दिन वो बूढ़ी औरत भी शहर से वापस आ जाती है। फिर शहजादी कियारा उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है और कीमती रत्न भी दिखाती है। फिर शहजादी उस बूढ़ी औरत को 3 लाल रत्न देती है और कहती है, अम्मा ये 3 रत्न अपने पास रखिए और इसे शहर जाकर बेच आइए और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले कुछ मजदूरों को भी लेते आना। बूढ़ी अम्मा ये सुनकर 3 रत्न लेकर शहर की ओर रवाना हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है जिसमें वो बूढ़ी अम्मा और शहजादी कियारा रहने लगती है। वो महल बहुत ही खूबसूरत और आलीशान होता है। देखते ही देखते वो जंगल एक शहर में बदल जाता है और दूर दूर तक शहजादी के किस्से हर कोई गाने लगता है। जब ये खबर बादशाह अब्दुल रहमान तक पहुंची, तो बादशाह के दिल में उसे देखने की बहुत चाहत होती है। कौन है ये लड़की और कौन से मुल्क की है जिसकी तारीफ लोग करते नहीं थक रहे। फिर बादशाह अब्दुल रहमान सिपाहियों के हाथों एक पैगाम भेजता है। जब सिपाही शहजादी को ये पैगाम देते हैं तो शहजादी एक शर्त रखती है, अपने बादशाह को कह देना वो हमसे एक ही शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपने तमाम बेटियों को अपने साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं। बादशाह शहजादी द्वारा ये पैगाम स्वीकार करते हैं और अपनी तमाम बेटियों के साथ उसके महल जाते हैं। शहजादी उनसे अपने चेहरे पर नकाब बांधकर मिलती है और उनके स्वागत में 7 प्रकार का खाना पेश करती है। महल के शानो शौकत और उसके खूबसूरती बादशाह को बहुत हैरान कर देता है। फिर बादशाह शहजादी से कहता है, वाह कमाल है, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, इसलिए मैंने तुम्हारा शर्त स्वीकार किया और अपनी 6 बेटियों को साथ लेकर आया, फिर हमसे यह पर्दा क्यों? बादशाह की बात सुनकर शहजादी कियारा कहती है, ठीक है मैं फिर तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर शहजादी की 6 बेटियाँ आपस में बातें करने लगती है कि अरे इतनी तो तैयार है, तो फिर अब और कितनी तैयार होगी। तभी थोड़ी देर में सब देखते हैं कि एक साधारण कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है, अरे यह तो मेरी 7वीं बेटी आ रही है, यह अब तक जिंदा है, मुझे तो लगा इसे जंगली जानवर खा गए होंगे। अपने 7वीं बेटी को देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे अरे जल्दी से उस शहजादी को बुलाओ, मेरी बेटी जिंदा है। बेटी मैं अभी तुम्हें उस शहजादी से आजाद कराकर अपने साथ अपने महल ले चलूंगा, बेशक वह शहजादी तुम्हारे कीमत में मेरी सारी दौलत ही क्यों ना मांग ले, मैं उसे दे दूंगा, पर तुम्हें मैं अब अपने साथ लेकर चलूंगा। ये सुनते ही शहजादी कियारा कहती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और आपको याद है मैं कहती थी ना, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपने अब्बा हुजूर को सारी बात बताती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। ये सब सुनते ही बादशाह अब्दुल रहमान की आंखें भर आती है और वो शर्म से शर्मिंदा अपनी नजरें झुकाए खड़े रहते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।